भरनों में लगातार दूसरी बार एक ऐसी घटना घटी है जिसमें ग्रामीणों द्वारा अपनी सब्जी और फसल की सेफ्टी के लिए लगाए गए जो तार है उसमें करंट के कारण हाथी की मौत हो गई। ये घटना लगातार दूसरी बार होने के कारण इस बात को लेकर कई बार अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर में वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर जो लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं उसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। वन विभाग के पदाधिकारी भी इसे गंभीर मामला मानते हैं और इस घटना में जब ये घटना सामने आई कि भरनों में इस तरह की घटना हुई है उसके बाद खुद DFO ने मामले को गंभीरता से लिया और उस व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि आखिरकार इस तरह की जो घटनाएं होती है उसके बाद गिरफ्तार करके लोगों को जेल भेजे जाने से क्या वो हाथी फिर से वापस आ जाएगा। इस तरह के मामले के सामने आने के बाद निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जाते हैं, वन्य प्राणियों के रख रखाव को लेकर जो दावे किए जाते हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। इस संबंध में मुझे कहना है कि जो भी प्रॉपर्टी डैमेज या किसी का कोई खेत वगैरह खराब हो गया है जानवर के कारण, तो झारखंड सरकार ने 2017 से जो संकल्प जारी किया है उसमें उचित मुआवजे का प्रावधान है और वह समय समय दिया भी जाता है, 100% लोगों को दिया जाता है जिनके आवेदन प्राप्त होते हैं। इसीलिए उस पर भरोसा रखें, वो आवेदन तुरंत उस पर कार्रवाई करके मुआवजा आपको निर्गत कर दी जाएगी। तब तक जो भी नुकसान है उसको बर्दाश्त करके वन्य प्राणियों को नुकसान ना करें ऐसा संकल्प लें। हम किसी भी कीमत पर किसी भी जीव को मारने के लिए कोई अपना इस तरह के करंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो सकता है उसमें कोई आदमी अगर गलती से और तार से अगर कनेक्शन हो जाता तो बहुत बड़े हादसा होने के आदमी के साथ भी हो सकता था, जिस प्रकार हाथी का हुआ। और हाथी को मारने का अगर यह सरल तरीका है अपने आप को जमीन जगह को या खेती बाड़ी को बचाने का सरल तरीका नहीं बल्कि जहरीला तरीका इसको कहा जा सकता है। आम जनता को या किसी को भी इस तरह कुकृत नहीं करना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि इस मामले को लेकर गंभीरता से एक बृहद पैमाने पर कार्यक्रम बनाए ताकि जंगली हाथी इस तरह से ना मारे जाएं, उनकी मौत इस तरह से ना हो सके, क्योंकि जंगली हाथियों की लगातार घटती संख्या को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जाती है और कई तरह की योजना बनाई जाती है उसको लेकर भी सोचने की आवश्यकता है। DFO ने स्पष्ट कहा है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने के बाद जो कार्रवाई की गई है, साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इस तरह की कार्रवाई करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों द्वारा अपने वनों के वन क्षेत्रों के आसपास सब्जी के उत्पादन की जाती है उन लोगों को ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि वो इस तरह की घेराबंदी नहीं करेंगे और ना ही उसमें करंट लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जानवर की मौत होती है उसके बाद वो मामला काफ़ी गंभीर बन जाता है जिसको लेकर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। DFO ने स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों की फसल बर्बाद होती है या धन संपत्ति का नुकसान होता है उसका मुआवजा जब मिलता ही है तो लोगों द्वारा इस तरह से कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने भी इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है कि आखिरकार वन्य प्राणी कहाँ जाएं, जब वन क्षेत्र में लगातार रहने वाले वन्य प्राणी बाहर निकल रहे हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि उनका रहने वाला जो आशियाना है वो छोटा पड़ता जा रहा है, उसे विस्तार करने की आवश्यकता है। हाथियों की इस तरह की होने वाली मौत ने कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिरकार लोग अपने रहने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग और कई स्थानों पर घरों का निर्माण तो कर ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जंगली क्षेत्रों को प्रभावित किया जा रहा है, जंगली क्षेत्रों को काटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं वन्य प्राणियों का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो काफ़ी बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। भारत सरकार को हाथियों के संरक्षण के लिए बृहद स्तर पर प्रोग्राम बनाना चाहिए कि कैसे ग्रामीणों को सुरक्षा मिले हाथियों से और हाथी स्वतंत्र होकर विचरण कर सकें, प्रकृति में वो रह सकें। इस तरह से इनका क्षेत्र विस्तार होना चाहिए, जीवनों का क्षेत्र विस्तार होना चाहिए, उनके आवागमन के जो रास्ते हैं उनके जो कॉरिडोर हैं वो सुरक्षित होने चाहिए, साथ ही साथ वन में शांति होना चाहिए। ये कोई मामला पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी कई बार मामले सामने आए हैं जहाँ पर असामयिक रूप से जंगली जानवरों की मौत हुई है जिसमें बिजली ही कारण बनकर सामने आता है। तब देखना ये होगा कि इस घटना के सामने आने के बाद वन विभाग क्या सबक लेता है और कैसे कार्रवाई की जाती है ताकि दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके और वन्य प्राणियों को हम ना खो सके, क्योंकि जैसी परिस्थितियां हैं अगर ये परिस्थितियां लगातार बनी रही तो आने वाले समय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वन्य प्राणियों की जो संख्या दिख रही है वो पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर चली जाएगी। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।